हेलो दोस्तों, किसान डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आइए हम आज कुछ सीखेंगे अनुपात के सवाल। ठीक, आइए। दो संख्याएं तीन संबंधित पांच के अनुपात में, कह रहा है कि दो संख्याएं जो किस अनुपात में है, पांच के अनुपात, तीन संबंधित पांच के अनुपात में, यदि दोनों में से प्रत्येक में नौ घटा दिया जाए, दोनों में से क्या घटा दिया जाए, नौ घटा दिया जाए, तो पहले संख्या मानेंगे 3x और दूसरी संख्या मानेंगे 5x, और कह रहा है कि दोनों में से कितना घटा दे, नौ घटा दे, नौ हमने घटा दिया। ठीक, अब आइए आगे। तो नई संख्या मतलब अभाज्य संख्या बन गई, तो नई संख्या कितना हो जा रहा है, 12/23 हो जा रहा है। तो हमें किसका मान निकालना है, तो छोटी संख्या यानी 3x का मान निकालना है। अब तिरेक गुणा करेंगे, 23 से गुणा करेंगे 23 से 69 होता है, माइनस 9 का गुणा करेंगे 23 29 27 हासिल 2, और 9 2 18 और 18 और 2 कितना होता है 20, इक्वल टू 12 5 60 और 12 9 108। यहां तक क्लियर हुआ एक्स। अब आइए आगे, अब अंक को अंक तरफ करेंगे और अक्षर को अक्षर तरफ करेंगे, तो ये 69x - 60x = -108, और इसको माइनस को जलाएंगे क्या हो जाएगा, तुम्हारा प्लस हो जाएगा, यानी 200 क्या आ जाएगा, 60। ठीक, अब 69x में से 60x जाएगा, कितना बचेगा, 9x बचेगा, इक्वल टू, अब 207 में से 108 घटेगा तो 17 में से 8 घटेगा 9, और यहां कितना बचा जी, 9 यानी 99, x बराबर हो जाएगा 99/9, इक्वल टू हो जाएगा 11, x मान 11, यानी पूछ रहा है छोटी संख्या हमारी क्या है, क्या माना है, 3x, क्या माना है जी, 3x, तो 3x बराबर 3 × 11 यानी 11 33, यानी विकल्प नंबर कौन सा सही है, 20 सही है।